हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी थ्री वाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से आधार कार्ड को डाउनलोड करना तो आप दोस्तों ऑनलाइन कर सकते हो। कैसे आपको डाउनलोड करना है, मैं इस वीडियो में आप सभी को स्टेप बाई स्टेप जानकारी देंगे। दोस्तों, आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करके सर्च बार में आपको टाइप करना है आधार कार्ड और सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों, यहां फर्स्ट में एक लिंक मिलेगा माई आधार का, इस पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर देखिए डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद फिर से नीचे आना है, यहाँ पर डाउनलोड आधार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आना है, कैप्चा लिखा है, जिस तरह कैप्चा लिखा है उसी तरह आपको फिलअप करना है। स्मॉल में रहेगा तो स्मॉल में और कैपिटल में रहेगा तो कैपिटल में डालकर यहाँ सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ठीक है, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। तो ओटीपी आने में 2 से 4 सेकंड का समय लगता है, तो आप वेट कीजिएगा और ओटीपी डालकर दोस्तों वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समय तक वेट करना है, यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद यहाँ कंग्रेचुलेशन, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जब आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो। उसके बाद यहाँ देखिए गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर से स्क्रॉल करना है इस तरह का, यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड डालना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड दोस्तों अपने नाम का फर्स्ट 4 अक्षर डालना है, उसके बाद जो साल डाल देना है, जैसे कि 1991-92 हो या 2003 हो, इस तरह डालकर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जब ओके पर क्लिक कीजिए दोस्तों तो ये डाउनलोड ये ओपन हो, आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। इससे दोस्तों आप प्रिंट ले सकते हैं या स्क्रीन शॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।